हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ यू ऑल गाइस, आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपने चैनल पे क्लास टेंथ के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। सो क्लास टेंथ के लिए यही बेसिक एक इंफॉर्मेशन है कि जैसे कि आप लोग अभी टेंथ स्टैंडर्ड में आए हो, तो आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी विचित्र लगेंगी। विचित्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोग एक ऐसे पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे होंगे जो आप लोगों ने कभी ना देखा है ना जिंदगी में देखेंगे। तो इन फिजिक्स, स्पेशली फॉर फिजिक्स, प्योर इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड। जितना अच्छा आप इमेजिन कर पाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा फिजिक्स के लिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला लेक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जैसे ही हमारे मन में करंट आता है, तो करंट का बात आते ही हम लोगों के दौड़ता है कि हमारे घर में भी तो करंट आता है ना। तो जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, और हम वो सभी चीजें पढ़ेंगे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनको फील करते हैं, तो उनको एनालाइज करना, उनको विजुअलाइज करना इज वेरी वेरी इजियर फॉर अस। तो पढ़ाई के साथ साथ इमेजिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज यूर क्लास टेंथ फिजिक्स इज कंसर्न। क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने क्या देखा था, जितनी भी फिजिक्स पढ़ी थी वो सभी ऐसे थे जिनको हम डे टू डे लाइफ में देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, जैसे कि बैडमिंटन का प्ले करना, फुटबॉल खेलना, है ना, लॉज ऑफ मोशन में जितने भी फोर्सेज वगैरह एनालिसिस करे, तो वो सब ऐसी चीजें थी जिनको हम डे टू डे लाइफ में डेली करते हैं। बट ये चीजें ऐसी है जिनको आप फील कर सकते हो, बट है ना, देखा तो कभी है नहीं, ना आपने चार्ज को देखा है ना कभी देखोगे। और ये स्टडी बेसिकली टेंथ में है ही चार्जेस के बारे में। तो हम लोग वो एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम लोगों ने उसका सोर्स दैट इज चार्ज ना कभी देखा है ना कभी देखेंगे, बट उसको लेके हमें पूरी डेप्थ में स्टडी करनी है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली करंट की डेफिनेशन अगर हम बोले तो हम लोगों को बोला जाता है करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो अगर हम करंट को बोले, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इट इज डिफाइंड एज क्यू बाय टी, वेयर क्यू इज योर चार्जेस एंड टी इज योर टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं करंट। अब अगर हम करंट की बेसिक डेफिनेशन देखें तो करंट कुल चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सेकंड की यूनिट टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना। तो इसकी यूनिट बनी कूलम पर सेकंड। फिर हम लोगों ने इसको बाद में डिफाइन कर दिया, इट इज आल्सो नोन एज एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो हम लोगों ने घर में जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं उस पर करंट की स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड सो ऑन ए। तो बेसिकली करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस तो बोल तो दिया, लेकिन क्या फ्लो ऑफ चार्जेस को मेजर करना इज अ सिंपल थिंग ना, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। तो हम फ्लो ऑफ चार्जेस को फिर कैसे एनालाइज करें, ऐसा थोड़ी ना हम वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो हम वायर के पास खड़े हो जाते हैं और हम गिनते रहते हैं कि एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो गए हैं, ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी इम्पॉसिबल चीज। तो हम लोगों ने बेसिकली इसके बारे में ही स्टडी करनी है, करंट कैसे फ्लो करता है, क्या चीजें होती है जो करंट को फ्लो करने के लिए काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम करंट को एनालॉजी के बेस पे पानी के साथ कोरिलेट करें तो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती है हमारे लिए। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, पानी के फ्लो को, फ्लो ऑफ वॉटर को हमें ट्रीट करना है एज अ करंट, ठीक है, और पानी को हमें ट्रीट करना है एज अ चार्जेस। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है क्योंकि पानी के चार्ज, पानी के फ्लो को हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब एक बात बताइए, ये पानी फ्लो होता क्यों है। अगर मैं ये बात बोलूं कि हम लोगों ने दो बीकर ले लिए, ठीक है, और दोनों बीकर में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर हाइट तक पानी फिल कर दिया, ये हाइट भी एच है, ये हाइट भी एच है, दोनों की शेप एंड साइज कैसा भी हो हमें इससे कोई फर्क नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बोला, दो बीकर, बीकर नंबर वन एंड बीकर नंबर टू में हम लोगों ने पानी भर दिया, दोनों का लेवल सेम। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं,
एक पाइप लेके दोनों को कनेक्ट कर दूं, तो सोचिए क्या ये पानी बिकर ए का पानी बिकर टू में या बिकर टू से पानी बिकर ए में जाएगा क्या? तो आप लोग बेसिक एनालिसिस करते हो कि ना दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दिस इज नॉट पॉसिबल तो वाई दिस इज नॉट पॉसिबल? दोनों में पानी है, हम लोगों ने दोनों को कनेक्ट किया, तो पानी एक दूसरे से, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि पहले वाले का प्रेशर इज इक्वल टू दूसरे वाले का प्रेशर। यानी यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में रो जी एच प्रेशर होता है, एच हाइट, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। तो इसकी भी हाइट सेम थी, इसकी भी हाइट सेम थी, दोनों का प्रेशर सेम है और पानी को फ्लो कराने के लिए देयर मस्ट बी सम प्रेशर डिफरेंस। अगर दोनों की हाइट अलग अलग होती, ये हम लोगों ने देखा भी है, तो इजिली पानी फ्लो कर जाता। बट अगर पानी दोनों का प्रेशर सेम है तो पानी फ्लो नहीं करेगा। यही रीजन होता है हम लोग अपने घर में जो टंकी होती है जिसमें पानी को स्टोर करते हैं वो छत पे क्यों रखते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं रखते हम लोग? छत पे ही रखने का क्या स्पेसिफिक है? कई बच्चे सोचेंगे कि जगह को ऑक्यूपाई ना करें नीचे, बट अगर नीचे रख के देखोगे तो पानी फ्लो करा के दिखाओ ना टंकियों में। जो हम लोग वॉशरूम की टैब में पानी यूज करते हैं वो क्यों ऊपर रखते हैं? रीजन है ना, ऊपर रखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने कुछ हाइट पे रखी है टंकी को, हाइट पे रखी है तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग सम प्रेशर डिफरेंस। ग्राउंड फ्लोर पे अगर टंकी को रख देते तो हाइट कितनी है? जीरो। हाइट जीरो है तो प्रेशर कितना बना? ग्राउंड पे प्रेशर बना जीरो। छत पे रख रहा हूं मैं तो छत की हाइट कितनी मान ली हम लोगों ने? एच। तो अब छत पे प्रेशर कितना आया? फ्लोर या यू कैन से छत मान लेते हैं, तो व्हाट विल गेट? रो जी एच, है ना। अगर रो जी एच इस पे प्रेशर आ गया तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड छत वाला पॉइंट, तो प्रेशर डिफरेंस इज रो जी एच। अगर प्रेशर डिफरेंस रो जी एच होता है तभी पानी इजीली फ्लो करता है। यानी हम लोगों को इतना समझ में आया कि पानी को फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, जैसे पानी को फ्लो कराने के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है ना, ऐसे ही चार्जेस को फ्लो कराने के लिए भी देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। वो डिफरेंस को बोलते हैं हम पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या है? मान लो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अगर इन दोनों में देयर इज सम डिफरेंस, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, ठीक है ना। अगर इसका पोटेंशियल मान लो वी ए, इसका पोटेंशियल मान लो वी बी, और हम लोगों को बोल दिया गया वी ए इक्वल टू वी बी, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो क्या कभी भी चार्जेस फ्लो होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि चार्जेस को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्जेस नहीं फ्लो करने वाले भाई। हाँ, अब बोल दिया गया कि फ्लो पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, तो देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ चार्जेस। और अगर चार्ज फ्लो हुआ तो वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करने वाला है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। हम लोगों ने एनालोगित किया कि पानी को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, पानी के फ्लो को करंट से और पानी को चार्जेस से। तो पानी कब फ्लो करता है? जब प्रेशर डिफरेंस होगा। सेम लेवल पे दो कंटेनर रख देते हो और दोनों को कनेक्ट कर देते हो तो उसमें पानी का फ्लो नहीं होगा। दोनों कंटेनर की हाइट में डिफरेंस कर दो तो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में पानी अपने आप फ्लो कर जाएगा। सिमिलरली यही एग्जांपल आप देखते हो। अब हमें पानी, नीचे हमारा वो जेट पंप वगैरह या यू कैन से समरसिबल लगा होता है, हमें पानी ऊपर फ्लो कराना है, टंकी में भरना है, तो वी रिक्वायर अ मोटर ना, क्योंकि हमें नीचे लो लेवल से हाई लेवल पे पानी पहुंचाना है, तो वी हैव टू डू सम वर्क, वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए। बट जब हम लोग टंकी में से टैप ओपन करते हैं पानी अपने आप आता है ना, क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ प्रेशर डिफरेंस। टंकी हाई प्रेशर पे है और हमारी टैप लो प्रेशर पे है तो पानी इजीली फ्लो कर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें, कोरिलेट करें कि किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए आपका प्रेशर डिफरेंस जरूरी है। मोटर के केस में प्रेशर डिफरेंस जीरो था, हमें एक हाइट पे पहुंचाना है तो वो रिक्वायर्ड अ मोटर, मोटर ने क्या किया? वर्क। तो बेसिकली ये वर्क डन इन कैरिंग अ वाटर, है ना, पानी को पहुंचाना एक हाइट तक, तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया जाता है।
तो बेसिकली पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर हम बोले तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. जैसा कि हम लोगों ने कोरिलेट किया है, पानी को नीचे से पहुंचाना है ऊपर तो वर्क डन करना पड़ेगा. वो वर्क डन करेगा कौन? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर. तो मोटर ने क्या किया? मोटर ने वर्क डन किया किसको पहुंचाने के लिए? पानी को पहुंचाने के लिए. तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उनका. सिमिलरली अब चार्जेस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लेके आने के लिए उसी चार्ज के रेस्पेक्ट में. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन्होंने जो पोटेंशियल. तो बेसिकली पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय जूल, क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय कूलाम. तो जूल पर कूलाम, या अगर हम बात करें तो हम इसको बाद में वोल्ट से भी रिप्रेजेंट कर देंगे. तो आई थिंक ये दो क्वांटिटी आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. फिर हम लोगों ने देखा कि करंट या यू कैन से चार्जेस तभी फ्लो करेंगे व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर. अगर दो एंड वायर के दो एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगा, एल्स चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, और चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो देयर इज नो करंट. ठीक है, आई होप ये एनालॉजी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा. चलिए अब हम बात करते हैं यहीं से स्टूडेंट. तो हम लोगों ने बोला कि इफ दिस इज अ वायर, ठीक है ना, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट, ए इज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ए, पोटेंशियल एट ए, और बी का पोटेंशियल है वी बी. तो इफ स्पेसिफाइड किया गया वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो व्हाट विल गेट, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे. डेल्टा रिप्रेजेंट्स योर चेंज, और वो कैसा चेंज होना चाहिए? फाइनाइट. चलिए फाइनाइट, जिसको हम इजीली काउंट कर सके बस. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? वी ए माइनस वी बी. तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल. अब बात आई कि जो चार्जेस का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्या वो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, ठीक है ना. ओके डन. तो मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं दोबारा वही एनालॉजी से. मान लीजिए ये एक हमारे पास बीकर है जिसकी हाइट एच वन है, पानी भरा हुआ है इस लेवल तक. ये दूसरा बीकर है, इसकी हाइट एच टू तक पानी भरा हुआ है. तो हम लोगों ने देखा H1 ज्यादा है, H1 is greater than H2. तो what we'll analyze कि P1 पे pressure at 1 is greater than pressure at 2. तो there is some pressure difference ना. अगर मैं इन दोनों को connect कर दूं dear students, तो बताइए वो 1 से 2 में जाएगा, 2 से 1 में जाएगा. तो it is quite obvious ये 1 वाला पानी high pressure पे है as comparison to second वाले pressure के comparison में. तो पानी फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर. कब तक करेगा? जब तक दोनों का प्रेशर यानी P1 डैश मस्ट बी इक्वल टू P2 डैश ना हो जाए. ठीक है, जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा पानी का फ्लो बंद हो जाएगा. इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट. क्या बोलते हैं इसको? स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में हम क्या बोलेंगे कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस सेम हो गया है, प्रेशर सेम हो गया है. अब सिमिलरली देखिए इसमें क्या होता है. तो ए का पोटेंशियल हाई है, बी का पोटेंशियल लो है. तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम चार्ज के बारे में डिफाइन करें तो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, वन इज पॉजिटिव इन नेचर एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इन नेचर. जो पॉजिटिव होता है ना वो पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. यानी अगर मैं यहां पर दो चार्जेस को प्लेस कर दूं, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन तो होगी ये
हाई से लो, नेगेटिव की डायरेक्शन होगी ये, लो टू हाई। नेगेटिव कौन, तो नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, बी टू ए। पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन किधर है, ए टू बी। तो बाय कन्वेंशन हम लोगों ने ये माना है, बाय कन्वेंशन कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस होंगे वही आपके इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। बट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एज कंपैरिजन विद द फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट राइट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहे होंगे, या यू कैन से इलेक्ट्रॉन की अपोजिट करंट की डायरेक्शन को मान के चलेंगे। जैसे भी आप लोगों को याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि यही इजीली फ्री हो सकते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते ही। अभी इनको इतना ही बेसिक याद रखिए, जब आप 12th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये हाई से लो पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, क्यों लो से हाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जाते हैं, सबके पीछे कॉन्सेप्ट है। बट एज फार एज योर 10th क्लासेस कंसर्न, तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज रख के चलना चाहिए कि हाँ ऐसा होने वाला है। चलिए, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि करंट की डायरेक्शन कौन सी लेके चलने वाले, जिधर पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस किधर जाएंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप ये सब चीजें समझ में आया होगा। सेकेंडली, करंट फ्लो तभी करेगा इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द वायर। चलिए, अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, ओम्स ने क्या बोला, इफ दिस इज अ वायर, मेटेलिक वायर, इट इज हैविंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है ना, एंड ये करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर इज आई। तो उन्होंने बोला एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन प्रेशर एंड फिजिकल एनवायरमेंट की कंडीशंस को उन्होंने कांस्टेंट माना, करंट फ्लोइंग इन द मेटेलिक वायर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका पोटेंशियल मैं v मान लूं, इसको v भी मान लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ बेटा, va माइनस vb, और इसको हम लोगों ने डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ओम्स ने क्या बोला कि करंट फ्लोइंग इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एट कॉन्स्टेंट कंडीशंस, कॉन्स्टेंट कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंडली, उन्होंने इसको फिर बोला कि आप जैसे 10th स्टैंडर्ड की किताबों में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द फ्लोइंग इन द करंट। अब हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो व्हाट विल गेट, डेल्टा वी दिस इज इक्वल टू आर इंटू आई। व्हाट इज आर, आर इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली टू अपोज, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हर एक कंडक्टर आर ऑफ बेसिकली अलग अलग टाइप्स ना, आयरन भी एक कंडक्टर है, सिल्वर भी एक कंडक्टर है, कॉपर भी एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टर है। तो व्हाट विल एनालाइज, सारे है तो कंडक्टर, कंडक्टर मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो इजीली मूव करने दे, बट एज फार एज द डिफरेंट मटेरियल्स आर कंसर्न्ड, कंडक्टर में आपके पास सिल्वर भी है, कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर, क्यों, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी। व्हाट डू मीन बाय कंडक्टिविटी, अभी आई विल एक्सप्लेन यू, ध्यान से सुना, कंडक्टिविटी क्या होता है अभी बताता हूं। बट हम किस बेसिस पे अलग अलग कंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन सभी कंडक्टर्स हैं,
तो बेसिकली इसका एक एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ से सोचते हैं कि मान लो ये हमारा घर है और हमें घर से ऑफिस आना है, ठीक है ना। और घर से ऑफिस आने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं घर से चलूंगा, इधर मैं ए को लू या बी पाथ को लू, दोनों से मुझे पहुंचना तो ऑफिस है, ऑफिस में पहुंच जाऊंगा, बट जो ए वाला दिखाई दे ये भीड़ा रास्ता है, नैरो रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत कंजेस्टेड है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने लोकल एरिया की कोई भी मार्केट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, एक मार्केट है और एक दूसरे हमारे पास हाईवेज है, ठीक है। तो मुझे अपने घर से ऑफिस जाना है, देयर आर टू वे, टू पॉसिबल वेज, दोनों से ही मैं ऑफिस तो पहुंच जाऊंगा, बट सोचो पहुंचना दोनों से ही है, अलाउ दोनों ही करेंगे ऑफिस पहुंचने के लिए, बट कौन सा, विच वन इज सुटेबल फॉर अस, बी वाला। क्या ए वाला नहीं पहुंचने देगा? पहुंचने तो देगा, क्योंकि ए वाले में बहुत ट्रैफिक जैम रहेगा तो हमें बीच बीच में ब्रेक लगाने पड़ेंगे, फिर एक्सेलेरेट करना पड़ेगा, फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो इट विल टेक सम टाइम। तो हम यहां पे बोलते हैं इसकी कनेक्टिविटी बहुत कम है, फ्लो होने की कनेक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, हाईवे है, वाइड है, एक बहुत अच्छी स्पीड से हम कॉन्स्टेंटली मूव करते चले जाएंगे, तो हम बोलेंगे इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने दे, उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो एज फार एज योर आयरन एल्यूमिनियम कॉपर एंड सिल्वर इज कंसर्न, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अच्छा, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन, सेम यही रीजन है। अब अगर आयरन की कंडक्टिविटी बहुत कम है तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि आयरन में बहुत ट्रैफिक कंजेशन होगा, ट्रैफिक कंजेशन होगा तो क्या हम लोगों को बार बार ब्रेक लगाने पड़ेंगे, एंड दैट ब्रेक इज बेसिकली टू अपोज, जो करंट को फ्लो करने के लिए अपोज करे ना, दैट इज रेजिस्टेंस। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, जो करंट को इजीली फ्लो करने दे यानी उसमें रेजिस्टेंस कम है, जो बार बार कदम कदम पे हम लोगों को ब्रेक लगाना है, बार बार अपोज करना है, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। बात समझ में आए? तो बेसिकली दिस आर इज योर रेजिस्टेंस, और अगर मैं आर का फॉर्मूला बोलू तो व्हाट विल गेट, डेल्टा वी बाय आई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है डेल्टा वी और आई क्या है, आई एंड वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ी करंट भी बढ़ी, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा वी बाय आई की रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। यानी R बेसिकली V और I पे डिपेंड नहीं करता, R बेसिकली V और I पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे हम V की वोल्टेज को बढ़ाएंगे V भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर भी बढ़ा, नीचे डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो ऊपर वाली चीज भी इंक्रीज हो रही है, नीचे वाली चीज भी इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट विल गेट, दोनों की रेशियो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेंगे विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो R बेसिकली ना तो V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कई बार CBSE बोल देगा कि R क्या V और I पे डिपेंड करता है। हम लोग जनरली फॉर्मूले में देखें तो हाँ वी कैन कंसीडर V और I पे डिपेंड करता है, बट बेसिकली V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे V बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे I बढ़ता चला जाएगा। तो R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, तो अपन लोगों ने ये याद रखना है, R दैट इज रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I दैट इज करंट फ्लोइंग इन दिस वायर, मेटेलिक वायर। अब अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाए, तो देर इज अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, तो व्हाट विल गेट, जैसे जैसे आप वी बढ़ाते चले जाओगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट जीरो, इफ वी इज जीरो तो करंट मस्ट बी जीरो, है ना, यही तो देखा अभी तक हम लोगों ने। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं होगा। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, V को बढ़ा, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, तो बेसिकली इट गिव्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी कर्व, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि अगर मैं यहां पर एक स्लोप ले लूं, स्लोप रिप्रेजेंट दिस थीटा, दिस इज वी,
this is I, so what will get perpendicular by base tangent theta. Tangent theta क्या हुआ? V by I. तो V by I क्या होते हैं? R. तो slope of V I curve will always gives you the resistance of the wire. I hope ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी dear students. ये I क्या होता है, V क्या होता है और R क्या होते हैं. फिर ओम्स लॉ ने क्या बोला कि किसी भी वायर में जो करंट होगा ना, फ्लो कर रहा होगा, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो वहां से हम लोगों ने ये इक्वेशन को इक्वेट किया. व्हाट इज आर कि जो चार्जेस को फ्लो करने में अवरोध अपोज करे, या यू कैन से टू रेजिस्ट समथिंग. तो करंट में देखा, फिर हम लोगों ने घर एक एग्जांपल लिया, घर से ऑफिस जाना तो देयर आर टू वेज, एक में बहुत ज्यादा कंजेशन है, एक फ्री है. तो जिसमें बहुत ज्यादा कंजेशन है वो बहुत ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करने वाला है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है. जिसमें अपोजिशन बिल्कुल नहीं है उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है. तो अगर हम बात करें, कंडक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं और सबसे अच्छा कंडक्टर वो रहता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. फिर हम लोगों ने एक प्लॉट किया ग्राफ वी एंड आई का, तो व्हाट विल गेट, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शन का अगर ग्राफ है और स्लोप हमेशा क्या देता है, टेंजेंट थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. तो व्हाट विल गेट, perpendicular by base will get tangent theta and this is equals to r. तो slope हमेशा r देगा. I hope ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अब dear students हम बात करेंगे कि अगर हम लोग अलग अलग इनकी circuit theory पढ़ें, तो circuit theory को पढ़ने से पहले मैं तीन चीजों के बारे में थोड़ा सा analysis करूँगा. उन तीन चीजों को हम लोग पहले थोड़ा detail में देखेंगे, फिर realize करेंगे कि basically होता क्या है. टर्मिनोलॉजी है उनको याद करना है आपको, है ना. तो बेसिकली फर्स्ट वन इज योर ब्रांच, नोड, लूप, ठीक है ना. ब्रांच, नोड, इसी नोड को हम लोग कई बार जंक्शन भी बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, ब्रांच एक कोई भी वायर का एक टुकड़ा है ना. घर में बहुत सारी वायर्स दिखाई देती है, आपके चार्जर की वायर बेसिकली ब्रांच, आप जो ईयरफोन लगाते हो, ईयरफोन में जो मोबाइल के साथ प्लग इन करते हैं, दैट इज ए वायर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट. तो हम लोगों ने क्या देखा, दिस इज अ ब्रांच. अगर बहुत सारी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन हो, यानी एक ब्रांच एरी, एक ब्रांच एरी और एक ब्रांच एरी, there are three branches ना, branch one, branch two, branch three. तो जहां पर भी आके ये मिल जाएंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम नोड, या यू कैन से जंक्शन, ठीक है. तो ब्रांच कोई भी एक वायर, नोड जहां पे बहुत सारी ब्रांचेस, मोर देन टू ब्रांचेस आके मीट कर रही है, तो वो आपके पास नोड हो गया, या यू कैन से जंक्शन हो गया. नाउ लूप क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स एक नोड से, दीज आर नोड्स, तो एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है, ठीक है ना. तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ब्रांच कौन है, नोड कौन है, लूप कौन है. तो हम लोगों को देखा कि ब्रांच तो, लूप तो ये रही, सॉरी नोड तो ये रही जहां पे बहुत सारी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है. एक नोड को दूसरी नोड से कनेक्ट करने वाली वायर भी ब्रांच बोली जाती है. तो ब्रांच एक ये रही, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही, तो कितनी ब्रांचेज है, थ्री. अब अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ए बी सी डी ई एफ, तो बोलो लूप क्या है. लूप का मतलब क्या, एक सर्कुलर पाथ, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पर आपको टर्मिनेट करना है. इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो मुझे घूम के ए पर ही आना है और घूमने के रास्ते आप पे डिफाइन करने वाले हैं. ए से चलो, ए बी सी एफ, ए एक लूप है. ए से चले, ऐसे घूमे, ऐसे आए, यानी दिस इज द पाथ, बिल्कुल एक क्लोज लूप बन रहा है. फिर ए से चले, कोई बच्चे बोले नहीं सर मैं तो ऐसे चलूंगा, दिस इज ऑल्सो अ लूप. तो बेसिकली ये तीन टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, ब्रांच, जंक्शन या नोड, और यू कैन से लूप. थर्ड वन इज लूप. तो जंक्शन का है जहां दो या दो से ज्यादा वायर्स आके असेंबल्ड हो रही है. फिर दो जंक्शंस को जोड़ने वाली या दो नोड को जोड़ने वाली जो भी लाइन होगी ना, दैट इज नोन एज योर ब्रांच. और लूप क्या होता है, क्लोज पाथ. अब इसको थोड़ा फैमिलियर डे टू डे लाइफ से देखो, तो हम लोगों ने देखा होगा
जब हम न्यू दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं तो व्हाट विल एनालाइज, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को हम जंक्शन बोलते हैं ना। जंक्शन का मतलब क्या, वहां से बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी लाइन ट्रैक्स आगे कंबाइंड हो रहे हैं, असेंबल्ड हो रहे हैं, तो दैट इज अ जंक्शन। कोई भी लोकल प्लेटफॉर्म, अपने अपने एरिया का कोई भी लोकल प्लेटफॉर्म ले लीजिए, उसके आगे जंक्शन वर्ड नहीं लिखा रहता है ना। तो बेसिकली अब दूसरा जंक्शन से जंक्शन, मान लो न्यू दिल्ली एक जंक्शन है, मुंबई एक जंक्शन है, या आगरा एक जंक्शन है, या दिल्ली के नियर बाई अमृतसर एक जंक्शन मान लेते हैं, तो क्या होगा, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को जोड़ने वाली लाइन क्या, ब्रांच। अब एक बड़ा आईक्यू लगाओ, क्या एक ब्रांच पे एक टाइम में एक ही ट्रेन को दौड़ाओगे ना, बिल्कुल हाँ। अब सोचो एक ही ब्रांच पे एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इज इट पॉसिबल, नहीं। तो ब्रांच में एक टाइम पे एक ही करंट फ्लो करने वाला है, डायरेक्शन आप कुछ भी लो, ट्रेन को आप इधर से दौड़ाओ या उधर से दौड़ाओ, बट एक ब्रांच पे एक टाइम में एक ही ट्रेन को आपको दौड़ाना है। तो ये पॉइंट याद रखना हमें कि एक टाइम में एक ब्रांच में एक ही करंट होगा, यानी करंट विल रिमेन सेम इन ईच ब्रांच। कुछ भी ले लो, मान लो इसमें आई वन है, इसमें आई टू है, इसमें आई थ्री है, तो आई वन में मतलब फर्स्ट ब्रांच में हमेशा आई वन ही रहेगा, सेकंड में हमेशा आई टू ही रहेगा, एंड थर्ड में हमेशा आई थ्री ही रहेगा। तो आई होप ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगली वीडियोस में वी विल कंटिन्यू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है, किस पे डिपेंड करता है, कैसे हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, फिर सर्किट थ्योरी पे आएंगे। बट सर्किट थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें तीन वर्ड्स को बहुत ब्रीफली एनालाइज करना पड़ेगा कि ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है, एंड जंक्शन क्या होता है। तो आई होप आज का होमवर्क बस इतना है, इनको इसी लेक्चर को बार बार रिपीट पे देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछते रहिए, क्वेश्चनिंग आप लोग कमेंट के सोर्स से आप लोग छोड़ सकते हो, विल रिप्लाई यू ऑन दैट। तो थैंक यू वेरी मच, God bless you. Bye-bye. Good day.